मार्केट में अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं तो थोड़ा स्टडी करके पैसा लगाइए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं अभी कुछ दिनों में मार्केट नीचे गिरा हुआ था मतलब तीन चार दिन लगातार नीचे गिरा काफी हाहाकार मचा फिर थोड़ा ग्रो करने लगा और जब ग्रो करने लगा तो तीन चार दिन तीन चार सेशन लगातार ग्रो किया फॉर्चुनेटली मेरे भी सारे स्टॉक ग्रो किए तो मैंने देखा कि मार्केट पॉइंट नाइन सेवन समाइम समाइंट एट एट परसेंट ग्रो कर रहा था तो उस टाइम मेरा स्टॉक ऑन एन एवरेज सारे मिला के आज को पता आपको ऐप्स पे एम जो ऐप होता है उस पर सारे पता चल जाते हैं 1.45, 1.35 इस तरह से वो स्टॉक ग्रो कर रहा था इसका मतलब हुआ कि मेरा स्टॉक एक्चुअल स्टॉक मार्केट को बीट कर रहा है यानी मेरे स्टॉक का अल्फा काफी पॉजिटिव है एंड एक्चुअली यही होना चाहिए अगर कोई गिरे कोई स्टॉक या पूरा मार्केट गिरे तो आपका स्टॉक रिलेटिवली कम गिरे यानी लेस वोलेटाइल हो और अगर मार्केट उठे तो आपका स्टॉक ज़्यादा उठे आइडियल स्टॉक तो यही होते हैं अब मैंने उसमें भी जाके और माइक्रो लेवल पे चेक किया मेरा एक स्टॉक एक दिन में फोर पॉइंट एट फाइव परसेंट बढ़ गया और वहीं पे एक स्टॉक ऐसा था जो माइनस में चला गया माइनस में थ्री माइनस थ्री या माइनस टू पॉइंट समथिंग था ऐसे कुछ और चीज़ें थी तो अभी दिमाग में ये आता है यार फाइव परसेंट वाला यानी फोर पॉइंट एट वाला जो के आसपास वाला जो स्टॉक था वही अगर सारा होता तो एक दिन में हम एफ डी के बराबर अपना इंटरेस्ट ले लेते एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है और होता भी है तो आप लालच में नहीं निकालते और अगले दिन बराबर हो जाता और कभी कभी होता भी है काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर जाता है किसी किसी का स्टॉक इस तो इसमें इतनी लालच में नहीं पड़ना चाहिए आपको एक्चुअल में क्या देखना चाहिए कि आपके पास जितने भी स्टॉक हो उनमें कुछ चीज़ें बहुत ही फंडामेंटली क्लियर होनी चाहिए इफ़ यू वॉन्ट टू हैव यू नो योर लॉन्ग टर्म आपका जो पोर्टफोलियो हो वो बना रहे आप ट्रेड नहीं कर रहे हैं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कैसे कैसे स्टॉक आपको चुनने चाहिए किन कंपनियों के स्टॉक चुनने चाहिए रिकमेंडेशन नहीं होगा क्योंकि मैं नाम नहीं बताने वाला कोई कंपनी का तो इसलिए वीडियो सबके लिए है इसमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट मेरा छुपा नहीं हुआ है कुछ बातें आपको बहुत ध्यान से देखनी होगी मैं जो पर्सनली कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले कोई चीज़ एनालाइज़ करता हूं पहला एनालाइज़ करता हूं कि कौन सा मार्केट डाउन नहीं जाएगा हम कभी कौन सा मार्केट जो हमेशा चलता रहेगा ये देखना होगा बैंकिंग फॉर एग्जांपल मैंने बैंकिंग चूज़ कर ली चलो मैं नाम एक ले लेता हूं बैंकिंग में प्राइवेट सेक्टर के बैंक में देखता हूं मैं कौन कौन से बैंक जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ दो ही नाम आता है फिर तीसरा नाम भी एक आने लगता है पहला होता है चाहे एच बोलो या आई बोलो दूसरा इन्हीं में से एक तो ये दो प्राइवेट बैंक बहुत अच्छा कर रहे हैं तो जब बैंकिंग सेक्टर में मुझे खरीदना होता है तो मैं जनरली इन्हीं दो के आसपास जाता हूँ फिर तीसरा नाम एक्सिस बैंक का आता है फिर बाकी सारे बैंक्स होते हैं तो आप एक इंडस्ट्री में टॉप के दो पकड़ने हो तो यही दोनों पकड़ोगे गवर्नमेंट बैंक में जाना हो तो कोई एस के छोड़ के क्यों कोई जाएगा किसी और में ऐसे ही कोई इंडस्ट्री पिक कर लो फार्मा इंडस्ट्री पिक कर लो ऐसे एफ़ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स चूज़ कर लो वहाँ पे कौन सी इंडस्ट्री टॉप पे है किसका प्रॉक्टेल गंबल का प्रोडक्ट ला रहे हो नेस्ले का प्रोडक्ट ला रहे हो आईटीसी का प्रोडक्ट ला रहे हो कौन सा प्रोडक्ट आपको ज़्यादा सही है मैंने एक वीडियो में बताया था कि मैं जो मॉर्निंग में पूजा करता हूँ उसमें माचिस यूज़ करता हूँ दिया जलाने के लिए एंड ऑल वो होम लाइट्स होता है और वो आई का बना है तो मुझे बड़ा पसंद था कि यार बड़ी अच्छी क्वालिटी निकालता है कभी कभी मैं धूप बत्ती अगरबत्ती लेके आता हूँ देखता हूँ वो भी आई का है और अच्छी क्वालिटी का है तो इस चक्कर मैंने आई के शेयर ले लिए मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ आजकल वो डाउन चल रहा है आजकल वो उतना ग्रो नहीं कर रहा है बीच में ग्रो कर गया था फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मेरा पर्सनल बिलीव है कि ये नीचे नहीं जाएगा उसकी बुक वैल्यू देखी उसकी मैंने पूरी फाइनेंशियल सीट देखी उसकी मैंने पूरी लास्ट दो साल के फाइनेंसिस को काफ़ी डीपली स्टडी किया वो आई में भी जब मैं पढ़ रहा था तो उसको स्टडी कराया गया था तो ये मुझे पर्सनली लगता है कि यहाँ पे मैं बने रहूँ भले ही थोड़ा लॉस है डिविडेंड भी देता रहता है सिमिलरली अगर मैं सीमेंट जाऊँ पेंट इंडस्ट्री में जाऊँ स्टील इंडस्ट्री में जाऊँ सर्विस इंडस्ट्री में जाऊँ आई सेक्टर में जाऊँ तो मुझे कौन कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो मुझे अपील करती हैं जो मुझे लगता है कि यार ये इसका शेयर लेने से मुझे नुकसान नहीं होगा सो दीज आर द पॉइंट्स आई होप यू टू लर्न कि हाउ टू इन्वेस्ट में क्या क्या हमें रखना चाहिए क्या क्या नहीं रखना चाहिए इस तरह से तुम और बाकी टेक्निकल बातें भी मैंने कर रखी हैं अल्फ़ा एनालिसिस बीटा एनालिसिस उसके बाद प्राइस अर्निंग रेशियो बुक वैल्यूज़ ये सब क्या है वो भी मैंने बता रखा है कि प्राइस अर्निंग रेशियो कितना होना चाहिए कभी कभी बहुत ज़्यादा होता है फिर भी स्टॉक जो होता है वो अट्रैक्टिव होता है अल्फा कितने टाइम्स वो बीट कर रहा है स्टॉक मार्केट को बीटा वॉलेटिलिटी कितनी है तो ये सारे इन फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं बट मुझे लगता है कि आप कभी भी मार्केट में इन करो तो थोड़ा सा सोच समझ के करो आपको लॉस ज़्यादा नहीं होगा वैसे मार्केट कहा ही जाता है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क यानी ये इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कई बार वो फैक्टर आपके कंट्रोल के बियॉन्ड होते हैं सो इट वुड बी बेटर इफ़ यू एट लीस्ट परफॉर्म यू इफ यू चूज़ अ स्टॉक विच विल परफॉर्म विद यू आप टेंशन फ्री रहें तो भी वो काम करे कंपनी बढ़े कोई और कंपनी आपके लिए काम करे इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता सो so, I'm just signing off. My name is Dhananjay. Thank you very much. Bye bye. Take care.